दिल्ली में AIDEF और वर्कर यूनिटी द्वारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। 4 लाख रक्षा असैनिक कर्मचारियों की ओर से AIDEF देश के सभी सम्मानित नागरिकों को यह अपील करनी है कि वह महान देश की अस्मिता की सुरक्षा एवं देश की रक्षा तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सरकार की नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कराने के साथ साथ आयुध निर्माणियों DRDO तथा अन्य सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को और अधिक मजबूत, विस्तारित और विकसित करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने वाली इस लड़ाई में उनका साथ दे, जिससे उनका देश रक्षा आवश्यकताओं के बारे में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सके। हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन थे, देश या सुरक्षा के लिए, देश का बचाने के लिए हम लोग 3 जुलाई से यहाँ रिले हंगर स्ट्राइक में बैठा। कश्मीर से, कन्याकुमारी से या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हर एक दिन से डेली एक एक स्टेट का इधर हंगर स्ट्राइक बैठा। तो आज 27th का डे है, हम लोग कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इतना बंदोलन को इधर लेकर आके हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक में बैठा है। मोदी जी का राज्य, अभी हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स का 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसमें ऑलरेडी 5 फैक्ट्री बंद करने के लिए काम किया है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DGPA के लिए इन लोग काम करता है। उन लोग बॉर्डर में काम करने के लिए उनका परिवार, बच्चा स्कूल का और इनका रहने के लिए जगह के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने बहुत काम करता है ये चारों फोर्स में। लेकिन आज स्थिति है, हमारा MBS को भी बंद करने के लिए मोदी जी ने कर रहा है। अभी 26% FDI था, इसको 49% बढ़ाया, अभी 100% FDI करने के लिए सबको लेटर भेजा है।